चीन की चालबाजी लगातार जारी है। इन सब के बीच एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात को जो कुछ हुआ उसने देश को सन्न कर दिया। हिंदुस्तान ने इसी के साथ अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो अब चीन की किसी भी चालबाजी में नहीं फंसना चाहता है। यही कारण है कि रूस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस से मिलने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर देश बेहद उत्साहित है और चीन नहीं चाहता कि भारत और रूस के बीच इस बात को लेकर किसी भी तरह का समझौता हो। अब सवाल यह है कि आखिर S-400 डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या है जिसको चीन कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहता है? आखिर चीन की भौहें हमारी इस आपस की रजामंदी पर क्यों तनी हुई हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान जब रूस ये हथियार बेच रहा है तो आखिर इतनी ज्यादा खलबली चाइना में क्यों मची हुई है? चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली के अनुसार उसकी फेसबुक पोस्ट में जो लिखा हुआ है सीधे सीधे वो इसके खिलाफ है और जहर उगल रहा है हिंदुस्तान को लेकर। अब जब भारत को S-400 मिलेगा तो चीन की बेचैनी बढ़ना तो तय है। S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे माना जाता है और इसमें भारत के दुश्मनों को बेदम करने की पूरी काबिलियत है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है। S-400 एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा ही में ही मारकर गिरा देने में सक्षम है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें क्या है जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? तो आपको बता दें, इसका राज छिपा हुआ है इसमें लगे 3 तकनीकों में। S-400 में 3 तकनीक एक साथ काम करती है। पहली तकनीक है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी तकनीक है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसका रडार 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और इसके साथ ही इसकी क्षमता ये भी है कि ये 100 से लेकर 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यही कारण है कि चीन की चिंता इसको लेकर बढ़ी हुई है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। इसके साथ ही हवा में उड़ते हुए 36 टारगेट्स को ये ध्वस्त कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल हमले से लेकर ड्रोन से हमले तक की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है और मिसाइल से हमले की स्थिति में तो खुद ही यह एक्टिव हो जाता है। दुश्मन की मिसाइल हो या फिर लड़ाकू विमान, यह हवा में ही उसे ध्वस्त कर सकता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो S-400 से बच सके। वैसे आपको ये भी बताती चले कि इसके एक एक कलपुर्जे को बेहद कड़ी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। धूल, आंधी, बारिश, किसी भी तरह का मौसम हो, हर परिस्थितियों का इसे सामना करना पड़ता है। नाटो इस सिस्टम की दूर तक मार करने की क्षमता की वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानता है। S-400 की खूबियों और खासियतों की वजह से रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के एयर डिफेंस के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत हिंदुस्तान की सेना को पिछले काफी वक्त से महसूस हो रही थी और अब जबकि रूस के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उम्मीद यही कि इसकी राह के सारे रोड़े खत्म होंगे और बहुत जल्द हिंदुस्तान की सेना को मिल जाएगा S-400।